मैंने कोई गलत मीशो ऐप को इंस्टॉल करके रखा है क्या हाई एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो फिर से एक रिक्वेस्टेड वीडियो होने वाली है आप लोग कमेंट देख सकते हैं तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मीशो से अंडर 400 हंड्रेड कुर्ता सेट की और आज मीशो में सेल भी चल रही है तो आप लोग पहले रिव्यू देख लीजिए उसके बाद बाय करना होगा तो जाके कर सकते हैं मे बी आपको और भी डिस्काउंटेड प्राइस में रिसीव हो जाए और ये मेरी हमेशा की तरह ऑनेस्ट रिव्यूज होने वाली है तो इन कुर्ता सेट को बाय करने के बाद मुझे एक चीज रियलाइज हुई है वो मैं वीडियो के बीच में ही कहीं आप लोगों के साथ शेयर कर दू क्यूँकि मुझे ऐसा लगता है की ये आपको भी जानना बहुत ही जरूरी है तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की और अगर वीडियो पसंद आती है तो एक जरूर से कर दीजेगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा आगे आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की और आज की पहली कुर्ता सेट होने वाली है पर्पल एंड व्हाइट के शेड में इसमें आपको टू पीस रिसीव होंगे प्लाजो एंड कुर्ता तो पहले मैं कुर्ता आपके साथ शेयर कर देती तो कुर्ते, कुर्ते की नेक आपको कुछ इस पैटर्न में रिसीव होगी राउंड एंड छोटा सा वी कट रिसीव होने वाली है एंड ये पूरा आपको प्रिंट वर्क में रिसीव होगी रबर प्रिंट बोलते हैं ना वही प्रिंट की गई है स्लीव्स आपको क्वार्टर स्लीवस रिसीव होंगे एंड स्लीवस के एंड में भी कुछ इस तरह का प्रिंट वर्क किया गया है बहुत प्यारी लग रही है कुर्ता से ही आप लोग नजदीक से देखिए स्लीवस में अलग से ये कपड़ा अटैच करके लगाया गया है तो ये लुक अच्छी लगती है आपको पूरे स्लीवस में बैक एंड फ्रंट दोनों साइड आपको कुछ इस तरह का प्रिंट रिसीव होगा रबर प्रिंट है गाइस वो चीज ध्यान रखिएगा तो पूरे कुर्ते में फ्रंट साइड से आपको कुछ इस तरह का प्रिंट रिसीव होगा नीचे बॉर्डर में भी सेम जैसे स्लीव्स में रिसीव होगी कुछ उसी तरह का प्रिंट दिया गया है एंड बैक में भी इसमें फुल प्रिंट वर्क है गाइस मैं दिखाती हूँ ये देखिए बैक में भी आपको ये पूरा प्रिंट में रसी वो बहुत प्यारी लग रही है बहुत एक डिसेंट लुक आ रहा है कुर्ता सेट को आप लोग डेली यूज या फिर ऑफिस वेयर के लिए भी यूज कर सकते हैं बहुत कंफर्टेबल लग रही थी पहनने के बाद एंड इसकी मटेरियल रेऑन कॉटन एक है ना उस मटेरियल में होने वाली है इस कुर्ता सेट में आपको कलर ऑप्शंस तो नहीं मिलने वाली है बट हाँ साइजेस इसमें एस से लेके डबल एक्सएल तक है तो अगेन एस वाले के लिए ये प्लस पॉइंट है आप लोग जरूर से बाय कर सकते हैं अच्छी है डेली यूज या फिर ऑफिस वेयर के लिए इस सेट में आपको लाइनिंग रिसीव नहीं होगी बट नीड भी नहीं है गाइज आप लोग आराम से कैरी कर सकते हैं इसकी प्लाजो आपके साथ शेयर कर दो बॉटम वेयर में आपको फ्रंट एंड बैक दोनों साइड इलास्टिक रिसीव होंगे एंड ये पूरा सिंगल कलर में होने वाली है तो आप लोग किसी और के भी साथ इसे कैरी कर सकते हैं ये देखिए कुछ इस तरह में आपको रिसीव होगी एंड साइज़ बहुत अच्छी थी गाइज एल्स आज की साइज़ एल है मेरी एंड उस अकॉर्डिंग इसकी फिटिंग वगैरह बहुत सही थी किसी किसी में प्रॉब्लम आते हैं कि कुर्ता तो अच्छे से फिट आ जाता है बट बॉटम वेयर फिट नहीं आती है बट इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है जो आपको कुछ इतना वेट्स में रिसीव होगा

बहुत अच्छी क्वालिटी है आप लोग जरूर से बाय कर सकते हैं आज की सभी कुर्ता सेट मेरी एल साइज में होने वाली है एंड मेरी हाइट फाइव फोर है तो उस अकॉर्डिंग आप लोग मेरे पहने हुए में लेंथ देख सकते हैं सभी कुर्ता की इसकी लेंथ बहुत अच्छी थी आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं हां मैं सजेस्ट करूंगी एक साइज अबब अब बाय कीजिएगा क्योंकि मे बी ये श्रिंक करे क्योंकि रेन कॉटन है ना तो मे भी ये श्रिंक कर सकता है इस वजह से एंड प्रिंट के वजह से आप लोग इसे इजी वॉश कीजिएगा तो डेफिनेटली ये बहुत टाइम तक चलने वाली है तो ये थी आज की पहली

ये देखिए कुछ इस तरह के प्रिंट में रिसीव होगी बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी क्वालिटी कॉटन होने वाली है तो रेन कॉटन या फिर कॉटन ही आप लोग बोल सकते हैं बहुत कंफर्टेबल था एंड इसमें लाइनिंग रिसीव नहीं है हल्की सी ये सी थ्रू है इसमें लाइनिंग की नीड बिल्कुल भी नहीं है आप लोग डेफिनेटली बाय कर सकते हैं इस प्रिंट को आई थिंक एब्सट्रैक्ट प्रिंट बोलते हैं बहुत आई कैचिंग लग रही है ये प्रिंट आप लोग बैक की नेक देख सकते हैं बैक में ये हल्की सी डीप होने वाली है तो कुछ इस तरह में बैक में भी फुल प्रिंट वर्क रिसीव होगी एंड ये सेल्फ प्रिंट है तो निकलने की भी डर नहीं है आप लोग जरूर से इस कुर्ता सेट को ट्राई कर सकते हैं आपको कुर्ते में फ्रंट साइड एक अलग सा मार्क हल्का सा नजर आया होगा तो ये स्टिचिंग के टाइम जो चौक वाली मार्क वगैरह होती है ना वही है तो ये धुलने पे निकल जाएगी बट हाँ ये आपको स्लीवलेस रिसीव होंगे तो अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो आप लोग इस कुर्ता सेट के साथ जरूर जाइएगा इसमें स्लीव्स अलग से नहीं दी गई है दी गई होती तो और भी अच्छा होता है इस कुर्ता सेट में अगेन आपको कलर ऑप्शन तो नहीं मिलने वाली है बट हाँ साइजेस एस से लेके डबल एक्सएल तक है तो डेफिनेटली आप लोग जा सकते हैं फिलहाल के लिए एस और एम आउट ऑफ स्टॉक है बट डेफिनेटली आप लोग इस कुर्ता सेट को विश्लेष्ट करके रख सकते हैं जरूर बाय sure आपको काफी पसंद आने वाली है। so, मैं सजेस्ट एक साइज आप लोग अब अभी बाय कीजिए इसकी मटेरियल ना रेन कॉटन है तो रेन में भी ना बहुत सारे मटेरियल आते हैं जैसे रेन स्लब आते हैं सिर्फ रेन आते हैं रेन कॉटन आते हैं तो कॉटन वाली अच्छी लगती है मुझे मटेरियल एंड ये मटेरियल वही होने वाली है तो मे बी ये भी कर सकता है मैं सिर्फ इसकी स्टिचिंग आपके साथ साथ शेयर कर देती हूं। ये देखिए इंटरलॉकिंग के साथ रिसीव होगा हाँ अंदर मार्जिन नहीं रिसीव होने वाली है तो आज की सभी कुर्ता सेट में इंटरलॉकिंग के साथ ही आपको रिसीव होने वाली है तो एक में मैं आपके साथ शेयर कर दी हूँ अननेसेसरी वीडियो को क्यों लंबा करना कि बॉटम वेयर भी बहुत अच्छी है मैं जल्दी से आपके साथ शेयर करती हूँ ये देखिए फ्रंट एंड बैक आपको इलास्टिक में रिसीव होगी ये प्लेन सिंगल व्हाइट कलर में रिसीव होने वाली है एंड गाइस इसकी पैटर्न ना हल्की सी अफगानी टाइप है ये देखिए नीचे आपको ना कुछ इस तरह में रिसीव होगी लुक बहुत अच्छी आ रही थी पहनने के बाद हाँ बट इमेज में जिस तरह से दिखाया गया सेम लुक नहीं आने वाली है आप लोग खुद से इसे हल्की सी फिटिंग वगैरह कर लीजिएगा ना तो वो लुक आ जाएगी बट हाँ ऐसे भी ये नॉर्मली आप लोग अगर पहनते हैं ना बहुत अच्छी लुक आने वाली है इसकी मटेरियल रेन में है कंफर्टेबल है एंड अगेन इसकी फिटिंग वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी तो आप लोग डेफिनेटली बाय कर एक कमेंट मुझे रिसीव हुई थी इससे रिलेटेड भी कि, कि किसी किसी कुर्ता सेट में ना बॉटम वेयर की फिटिंग सही नहीं है आज के सभी कुर्ता सेट में बॉटम वेयर में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही थी आप लोग डेफिनेटली इन कुर्ता सेट के साथ जा सकते हैं तो ये थी आज की सेकेंड चलिए दिखाती हूँ थर्ड कैसी रिसीव हुई है आज की थर्ड कुर्ता सेट होने वाली है ग्रीन एंड रेड के कॉम्बिनेशन में चलिए पहले मैं आपके साथ कुर्ता शेयर कर देती हूँ तो कुर्ता आपको कुछ इस तरह राउंड नेक में रिसीव होगी एंड फ्रंट में गोटा पट्टी लेस लगाई गई है कुछ इस तरह में एंड ये पूरा आपको प्रिंट वर्क रिसीव होने वाली है गाइस गोल्डन फॉयल प्रिंट जो बोलते हैं ना वही प्रिंट होने वाली है मैं फुल कुर्ता आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ इस तरह का प्रिंट रिसीव होगा हाँ प्रिंट बहुत जल्दी नहीं निकलने वाली आप लोग तो घर पे इजी वॉश कीजिएगा नहीं निकलेगी ये देखिए स्लीव्स इसमें क्वार्टर स्लीव्स रिसीव होने वाली है इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है वही रेन कॉटन में होने वाली देखिए बैक में भी आपको फुल ये प्रिंट वर्क में रिसीव होने वाली है एंड इस कुर्ता सेट में आपको कलर ऑप्शंस भी देखने को मिलने वाली है आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं एंड इसमें आपको साइजेस एस से लेकर ट्रिपल एक्सल तक अवेलेबल है गाइस तो डेफिनेटली आप इस कुर्ता सेट के भी साथ जा सकते इस सेट में अगेन लाइनिंग रिसीव नहीं होगी बट वो नीड भी नहीं है बहुत हल्की सी सी थ्रू होने वाली है पर आप लोग विदाउट लाइनिंग भी इसे कैरी कर सकते हैं और पहनने के बाद बहुत कंफर्टेबल लग रहा था तो डेफिनेटली आप लोग इसके साथ भी जा सकते हैं इसमें आप लोग प्लाजो के मैचिंग की दुपट्टा वगैरह अगर लेते हैं ना अगर आप दुपट्टा लेते हैं सिर्फ कुर्ता सेट में कम्फर्टेबल नहीं है तो, तो अच्छी लगेगी पहनने के बाद तो चलिए मैं इसकी बॉटम वेयर दिखा तो इसकी बॉटम वेयर आपको प्लाजो में ही रिसीव होने वाली है एंड फ्रंट बैक दोनों साइड इलास्टिक में रिसीव होगी इसमें आपको फुल ये प्रिंट वर्क रिसीव होगी प्रिंट बहुत जल्दी नहीं निकल रही है गाइज़ ये जो गोल्डन वाली है ना ये फॉयल प्रिंट है एंड जो डार्क वाली प्रिंट है ये रबर प्रिंट है आ, हाँ ये जो गोल्डन वाली है ये फॉयल प्रिंट है एंड जो डार्क वाली दिख रही है ना ये रबर प्रिंट है बहुत अच्छी क्वालिटी है नहीं निकलेगी जल्दी तो प्लाजो आपको कुछ इस तरह में रिसीव होगी मैं नीचे के वेल्ट दिखा देती हूँ ये देखिए कुछ इस तरह में रिसीव होगी फुल प्लाजो में आपको प्रिंट वर्क रिसीव होने वाली है बहुत अच्छी कलर कॉम्बिनेशन है एंड और भी जो कलर ऑप्शंस है ना वो भी बहुत अच्छी है आप लोग जा सकते हैं चलिए देखते हैं नेक्स्ट कैसे रिसीव हुई है आज की नेक्स्ट कुर्ता सेट जो होने वाली है वो लाइट पर्पल के शेड में आपको रिसीव होगी इसमें भी आपको टू पीस रिसीव होंगे बॉटम वेयर एंड कुर्ता कुर्ता में आपको कुछ इस तरह का नेक रिसीव होगा एंड फ्रंट में ये पोटली वाली डिजाइन दी गई है ये देखिए पोटली वाली डिजाइन दी गई है बहुत अच्छी लग रही थी प्रिंट ये सेल्फ प्रिंट में होने वाली है तो प्रिंट निकलने की डर नहीं है देखिए स्लीव्स आपको क्वार्टर स्लीव्स में रिसीव होंगे एंड नीचे की ओर कुछ इस तरह से एक्स्ट्रा ये कपड़ा लगा के जो बॉटम वेयर में प्रिंट दिया गया ना उसी को स्लीव्स में एंड में लगाया गया तो लुक बहुत अच्छी आ रही है मैं आगे कुछ शेयर करने वाली तो सामने की ओर आपको कुछ इस तरह का पूरे में ये प्रिंट वर्क रिसीव होगी कुछ इस तरह में आपको पूरे में प्रिंट वर्क रिसीव होगी एंड ये कुर्ता में बैक में भी प्रिंट वर्क रिसीव होने वाली है कुछ इस तरह में पूरे में ये सेम ही प्रिंट रिसीव होगी सेल्फ प्रिंट है गाइज अच्छी है कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था समर के लिए बहुत अच्छी लगने वाली है इसमें भी आपको कलर ऑप्शन देखने को नहीं मिलने वाली है एंड इसमें साइजेस एस से लेकर डबल एक्सल तक एंड इसमें भी लाइनिंग रिसीव नहीं होगी बट हाँ नेड नहीं है लाइनिंग की बहुत माइनर सा सी थ्रू होने वाली है गाइज विदाउट लाइनिंग भी आप लोग कैरी कर सकते हैं बट आप लोग मेरे पहने हुए में देख सकते हैं ये मुझे मे मुझे एल साइज सही आती है बट इसकी एल साइज़ मुझे थोड़ी सी टाइट आ रही थी लेफ़्ट स्लीव्स तो सही आ रही थी राइट right स्लीव्स मुझे टाइट आ रहा था। और इसकी मटेरियल रियॉन्स स्लब में होने वाली है तो वो चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि मुझे ये मटेरियल बिल्कुल भी नहीं पसंद इस कुर्ता सेट में मुझे लगता है कि आप लोग एक दो बार यूज कीजिएगा तो इसमें लिंट वाली प्रॉब्लम भी आने वाली है तो मैं इस सेट को रिकमेंड नहीं कर सकती हूँ अदरवाइज आपकी चॉइस अगर आप लोग बाय करना चाहें तो कर सकते हैं लेंथ वगैरह बहुत सही थी मैं बॉटम वेयर शेयर कर देती हूँ अगर आप में से किसी को बाय करना बॉटम वेयर में आपको फ्रंट एंड बैक इलास्टिक में रिसीव होने वाली है एंड पूरे में ये सेल्फ प्रिंट में रिसीव होगी फिटिंग वगैरह अच्छी आ रही थी बॉटम वेयर की ये देखिए नीचे आपको कुछ इतना वेर्थ रिसीव होगा बट गाइज मैं इस सेट को सजेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे खुद जो मटेरियल पसंद नहीं आती है मैं उसे कैसे सजेस्ट करूँ आप लोगों को बहुत कोई होते हैं जिन्हें खराब क्वालिटी रिसीव होता है तो वो लोग उस चीज को शेयर नहीं करते हैं बट मेरा मानना है ये मेरी सोच है कि मुझे वो भी शेयर करना चाहिए भी आप लोगों में से कोई इसे कार्ट में ऐड करके रखा हो बाय करने के लिए तो मे भी इस रिव्यू से आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाए और हाँ आज के सेट्स को बाय करने के बाद मैं एक चीज आपको सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग अब फोर हंड्रेड की कुर्ता सेट को ज्यादा प्रेफर कीजिए अंडर फोर हंड्रेड मुझे नहीं लगता उतनी सही रिसीव होती है एक आध अगर मिल गई तो बहुत अच्छी बात अब अब हंड्रेड आप लोग जा सकते हैं बट हाँ अंडर थ्री हंड्रेड या फोर हंड्रेड मैं सजेस्ट नहीं करना चाहती हूँ आप लोगों को बाकी आपकी मर्जी है आप लोग चाहे तो बाय कर सकते हैं देखते हैं नेक्स्ट कैसे रिसीव हुई है आज की लास्ट कुर्ता सेट देखने के बाद आप लोग जरूर सोचेंगे कि मैंने कोई गलत मीशो ऐप को इंस्टॉल करके रखा है क्या तो आज की सेट आपको इसमें थ्री पीस रिसीव होने वाली है गाइस एंड अंडर फोर हंड्रेड है इस सेट को डेफिनेटली रिकमेंड कर सकती हूँ आप लोग जरूर बाय कीजिएगा तो ये देखिए आपका कुर्ता कुछ इस तरह के फ्रंट वर्क में रिसीव होने वाली है बहुत नीटली वर्क किया गया है ये एम्ब्रॉयडर्ड वर्क में आपको थ्रेड एम्ब्रॉयडरी सीक्वेंस लगी हुई रिसीव होगी प्लस हल्की सी जरी वर्क भी की गई है तो बहुत अच्छी लग रही है बहुत फिनिशिंग के साथ वर्क किया गया है आपको ऊपर नेक में ये पतला सा एक लेस भी लगी हुई मिलेगी बहुत अच्छी है इस क्वालिटी भी बहुत अच्छी है स्लीव्स में आपको क्वार्टर स्लीव्स रिसीव होंगे एंड अगेन स्लीव्स में भी एम्ब्रॉयडरी प्लस लेस वर्क रिसीव होगी ये देखिए डेफिनेटली इस सेट के लिए आप लोग जा सकते हैं एंड ये कलर आपको रेड नजर आ रही होगी मे बी बट ये डार्क मरून है ये देखिए आपको फ्रंट साइड नीचे की ओर छोटा छोटा ये एम्ब्रॉयडरी वर्क पूरे कुर्ते में रिसीव होने वाली है कुछ इस तरह में और नीचे भी आपको पतला सा ये लेस लगा हुआ रिसीव होगा बहुत प्यारी लग रही है गाइज आप लोग इसे छोटा मोटा पार्टी वगैरह में भी कैरी कर सकते हैं में आपको ये पूरा प्लेन में रिसीव होने वाली है कुछ इस तरह में पूरा नीचे ये प्लेन में रिसीव होगी एंड फिर से इसमें भी लाइनिंग नहीं दी गई है बट हाँ आपको नेट भी नहीं पड़ने वाली है बहुत अच्छी क्वालिटी है ये हल्की ये कॉटन ऐसा तो ऐप में कॉटन मेंशन किया गया है बट मुझे ये प्योर कॉटन नहीं लग रहा बट हाँ कंफर्टेबल था आप लोग बाय कर सकते हैं और हाँ मैं कोई अलग मीशो ऐप इंस्टॉल नहीं की किया सेम वही है जो तो आप लोग यूज कर रहे हैं एंड जब मैं इस सेट को बाय कर रही थी तब तो इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे बट फिलहाल के लिए ये आउट ऑफ स्टॉक है सभी साइजेस साइजेस इसमें ऐसे एस से लेके डबल एक्सएल तक है तो आप लोग इसे नोटिफाई करके रख सकते हैं जब भी ये इन स्टॉक होगा ना आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोग जरूर से जाइएगा गाइज आपको बहुत बहुत पसंद आने वाला बॉटम वेयर भी बहुत था ये भी था ये आपको कुर्ते की ही कलर में रिसीव होगी ये देखिए फ्रंट में आपको ये प्लेन में रिसीव होगी एंड बैक से इलास्टिक में रिसीव होंगे फिटिंग वगैरह बहुत अच्छी आ रही थी पूरे ये सिंगल कलर में रिसीव होगी एंड नीचे आपको कुछ इतना वेट्स में रिसीव होगा ये प्लाजो के ही पैटर्न में है एंड साइड में आपको कुछ इस तरह का कट रिसीव होगा चाहे तो आप लोग इसे फिटिंग करके एज अ पैंट भी यूज कर सकते हैं अगर आप लोग प्लाजो वाले लुक में कंफर्टेबल ना हो तो ये थी बॉटम वेयर सेम कुर्ते के ही मटेरियल एंड उसी कलर में ही सेम रिसीव हुआ है बहुत किसी में होते हैं कि थोड़ी सी कलर डिफरेंस आ जाती है बट नहीं इसके साथ वो चीज नहीं दुपट्टा शेयर कर देती है दुपट्टा इसमें कॉन्ट्रास्ट कलर में रिसीव होने वाली है बहुत प्यारी लुक आ रही है गाइस ये पीच कलर में आपको रिसीव इस कलर का ना कुर्ता में हल्का सा ये देख सकते हैं आप लोग एम्ब्रॉयडरी में उस कलर को यूज़ किया गया है एंड जो नेक एंड नीचे आपको वो लेस रिसीव होगी ना वो उसी कलर की आपको दुपट्टा रिसीव होने वाली है तो बहुत प्यारी लग रही थी और क्वालिटी दुपट्टी भी बहुत अच्छी है लेंथ विर्थ आप लोग पहने हुए में देख सकते हैं बहुत सही आ रही थी मैं फोल्ड करके कर कर दिखा रही हूँ ये देखिए आप लोग समझ सकते हैं कितनी सॉफ्ट होगी आज के लिए बस इतना ही आगे मिलते हैं किसी नए वीडियो में अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा थैंक यू